हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे वेब सीरीज़ मर्डर इन माहिम के बारे में। तो चलिए बात करते हैं वेब सीरीज़ मर्डर इन माहिम की कहानी के बारे में। शहर में युवा लड़कों की लगातार हत्या हो रही है। कोई है जो LGBTQ के समुदाय के लड़कों को निशाना बना रहा है। मुंबई के माहिम इलाके के को इन सनसनीखेज हत्याओं ने झकझोर कर रखा है। कहानी में एक पुलिस वाला है शिवाजी राव जेड़े, जो इन जघन अपराधों की जांच में जुटा है। मर्डर इन माहिम के एक मनोरंजन मिस्ट्री ड्रामा है, जो दर्शकों को अपनी जटिल कहानी में बांध कर रखता है। जैरी पिंटो के उपन्यास पर आधारित मर्डर इन माहिम शिवाजी राव जेड़ी उर्फ विजय राज के इर्द गिर्द घूमती है। वह माहिम में है जो हो रहे सीरियल किलिंग की जांच में जुटे हैं। इन तमाम हत्याओं को जोड़ने वाली कड़ी है माहिम रेलवे स्टेशन के दूर छोर पर मौजूद 104 फिरदोश रबानी उर्फ शिवांगी रघुवंशी की हत्या से शिवाजी मामले में आगे बढ़ता है। लेकिन इसी बीच एक और हत्या हो जाती है, जांच उलझने लगती है। शिवाजी एक रिटायर क्राइम जर्नलिस्ट पीटर फर्नांडिस उर्फ आशुतोष राणा से मदद मांगता है। पीटर का बीता हुआ कल शिवाजी के पिता से जुड़ा हुआ है। पीटर की रिपोर्टिंग के सामने आए भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ही शिवाजी के पिता को पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था। इधर पीटर खुद भी अपने बेटे की सेक्सुअलिटी को लेकर परस्पर विरोधी भावनाओं से जूझ रहा है। आगे की सीरीज़ में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं। जांच कभी सुलझती है तो कभी और उलझ जाती है, सेक्सुअलिटी को लेकर विमर्श हो जाती है। साथ ही बीते हुए कल और वर्तमान की लड़ाई भी है। इन सब के बीच हत्या का रहस्य है, हत्यारा है और न्याय ही चाहत है। तो आइए अब बात करते हैं मर्डर इन माहिम की वेब सीरीज़ के रिव्यू के बारे में। यह एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो दर्शकों को अंतिम देशपांडे तक बांधे रखती है। इसमें एक बेहतरीन मिस्ट्री सीरीज़ के सारे मसाले हैं। अपने रहस्यमयी स्क्रीन प्ले से परे मर्डर इन माहिम LGBTQ समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी बात करती है। यह समुदाय एक साथ होने वाले भेदभाव और बहिष्कार की सोच पर रोशनी डालती है। कैसे हमारा समाज इस समुदाय के लोगों को लेकर पूर्व ग्रहों से भरा हुआ है, सीरीज़ उस पर भी बात करती है। मर्डर इन माहिम LGBTQ से जुड़े पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं की भी पड़ताल करती है, खासकर एक पिता और उसके बेटे के रिश्ते पर। जहां एक रिटायर पत्रकार अपने बेटे की सेक्सुअलिटी पर शक करता है, वह एक आंतरिक संघर्ष से जूझता है। सीरीज़ के अधिकतर एपिसोड करीब 40 मिनट लंबे हैं और अच्छी बात यह है कि स्क्रीन प्ले की रफ्तार कहीं कम नहीं होती। सीरीज़ में कई ऐसे मौके आते हैं जब आप रोमांच से भर जाते हैं। कहानी के साथ साथ आप भी बतौर दर्शक इंसान के स्वभाव और समाज की असलियत की खोज में शामिल हो जाते हैं। सीरीज़ की मूल कहानी मर्डर मिस्ट्री है। इसमें एक के बाद एक कई रहस्यों पर से पर्दा उठता है। विजय राज और शिवाजी स्टाम्प के किरदार के रूप में एक मिडिल क्लास फैमिली के बाप बेटे के रिश्ते को दिखाया गया। दोनों ने इसमें जान फूंक दी है। आशुतोष राणा का किरदार भी बाप बेटे के रिश्ते को नया आयाम देता है। यह चारों किरदार ऐसे गढ़े हुए हैं जो हमें अपने से लगते हैं और जैसे यह हमारे आसपास ही हो रहा है। मर्डर इन माहिम की असली ताकत इसके कलाकार हैं। सभी ने बड़ी ईमानदारी से अपना अपना किरदार निभाया है। विजय राज और आशुतोष राणा ने अपने किरदार में छाप छोड़ते हुए हैं। फिरदोश रबानी के रूप में शिवांगी रघुवंशी याद रह जाती है। वह सीरीज़ को एक पायदान ऊपर उठाने का काम करती है। इसके अलावा राजेश खट्टर ने लालसी सिकेरा के किरदार में असाधारण काम किया है।
यह सीरीज़ हमें बताती है कि पन्नों पर अनुच्छेद 387 भले ही निष्कृत हो चुका है, लेकिन LGBTQ समुदाय को लेकर हमारी और हमारे समाज की सोच कैसी है। मुंबई के लोकल स्टेशन पर गंदे टॉयलेट को इन लोगों के लिए कथित सेफ हाउस के रूप में दिखाया गया है, जो हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। हालांकि मर्डर इन माहिम वेब सीरीज़ की अपनी खामियां भी हैं। सीरीज़ एक चाकू के पर बार बार फोकस करता दिखाई देता है, जिसका हो रही हत्याओं से कोई लेना देना ही नहीं। ध्यान भटकाने के लिए किया गया यह प्रयास बेवजह मालूम पड़ता है, लेकिन इन कमियों के बावजूद यह सीरीज़ आपका मनोरंजन करती है। इसका रहस्य आपको बांध कर रखता है। यह मानवीय रिश्तों की पड़ताल करती है। कुल मिलाकर मर्डर इन माहिम एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसे आप ज़रूर देखना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।